नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। पृथ्वीराज नगर नियमन मामले को लेकर लगाए आरोप। देश भर में ईद का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया, एक दूसरे के गले लगाकर दी मुबारकबाद। और तीज के पर्व पर मनाया जाएगा 2 दिवसीय कार्यक्रम, पॉन्टिक पार्क पर होगा समारोह। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद राजधानी की सबसे बड़ी पृथ्वीराज नगर योजना का जिन एक बार फिर बाहर निकल गया है। इस बीच हमेशा की तरह सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया ने पृथ्वीराज नगर नियमन में हो रही देरी पर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। कटारिया ने इस देरी के लिए सरकार पर भूमाफियाओं का संरक्षण करने और मोटा मुनाफा कमाने की मंशा रखने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कटारिया ने योजना के तहत आने वाली कॉलोनियों के नियमन को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की है। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार के दौरान अदालती आदेश का पालन करते हुए विकास शुल्क की राशि तय करने और नियमन कैंप लगवाकर आवंटन पत्र वितरित करने का काम कर दिया था, लेकिन वसुंधरा सरकार ने इस पर रोक लगवा दी। आपको बता दें कि सोमवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में राज्य सरकार ने पृथ्वीराज नगर का नियमन जल्द करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने विकास शुल्क की दर निर्धारित होते ही नियमन की प्रक्रिया शुरू करने की मंशा भी जाहिर की है। पूर्व सांसद लालचंद कटारिया ने सरकार से पृथ्वीराज नगर योजना के वांछितों को सस्ती दरों में पट्टा देने और वहां लगी पानी बिजली कनेक्शनों पर लगी रोक को तुरंत प्रभाव से हटाकर कॉलोनियों का विकास करने की मांग की है। पृथ्वीराज नगर के बारे में मेरा ये कहना है कि पिछली सरकार जो हमारी कांग्रेस की थी, दोनों टाइम की, जब 2000 से पहले की 98 में हमारी सरकार आई, तब भी हमारी सरकार ने पृथ्वीराज नगर का फैसला किया। उसके बाद में ये मामला कोर्ट में चला गया। अभी हाल ही में जो हमारी पिछली सरकार अशोक गहलोत जी की थी, उसने भी जो कोर्ट का फैसला था उसके बाद में कैबिनेट में ले जाके एक फैसला किया और जनता का ध्यान रखते हुए उसमें पानी और बिजली से रोक हटाई, आवंटन पत्र जारी किए गए। आवंटन पत्रों के कैंप लग गए, हमने कुछ सी कॉलोनियों में आवंटन पत्र जारी भी कर दिए थे। इस सरकार ने आते ही उस पूरे फैसले को बदल दिया और पानी और बिजली पे रोक लगा दी। आज लोग मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, उनके जनप्रतिनिधियों ने वादा किया कि हम पानी बिजली पे रोक हटाएंगे, पृथ्वीराज नगर का नियमन करवाएंगे, और हमारी सरकार पे आरोप लगाते थे कि इन्होंने महंगी दरों पे आवंटन पत्र जारी किए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, जनता पूछेगी आने वाले चुनाव में कि इनकी दरों की रेट क्या है, पानी बिजली के कनेक्शन ये कब तक चालू कर देंगे, जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारे सड़कों के टेंडर हमने करवा रखे थे उन्होंने भी इनको निरस्त किए। चांद देखने के बाद मंगलवार को पूरे देश में ईद का त्यौहार अपार हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। यूं लग रहा है कि सारे जहां की खुशियां लेकर चांद ईद के रूप में जमीन पर उतर आया है। सुबह ईद की नमाज अदा करने के लिए लोग मस्जिदों में जुटे और अल्लाह से देश और कौम की खुशहाली मांगी। मीठी ईद पर सुबह से लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं मुस्लिम इलाकों में लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई देने में जुटे रहे। दूर रहने वाले मित्रों और रिश्तेदारों को फोन या मैसेज करके बधाई देने का सिलसिला जारी है। सोशल साइट्स ट्विटर, फेसबुक आदि ईद की बधाई से आबाद है। सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। जयपुर की सबसे बड़ी नमाज सुबह 9 बजे दिल्ली बाईपास स्थित ईदगाह में अदा की गई। इसी समय करबला स्थित छोटी मस्जिद और सी स्कीम स्थित रेजिडेंसी मस्जिद में भी नमाज हुई। इससे पहले सुबह 8:15 बजे जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में नमाज हुई। 9:15 बजे मदीना मस्जिद सांगानेर हजरत मौलाना जियाउद्दीन दरगाह चार दरवाजा पर नमाज हुई। मस्जिद मीर कुर्बान अली संसार चंद्र रोड पर सुबह 9:30 बजे मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा करके अल्लाह से खुशहाली और अच्छी बारिश की दुआ मांगी। आज के दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने गुनाहों की तौबा करें और हम उससे पुकार कर कहें कि या अल्लाह हमारे पूरे महीने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है कि हमारे लिए दो त्यौहार बहुत अहमियत रखते हैं और दो ही त्यौहार इस्लाम ने हमें दिए हैं, पहला ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। ये दो ही त्यौहार हमारे लिए हैं और त्यौहार के मायने होते हैं ईद के।
ईद और त्यौहार, ईद एक अरबी का लफ्ज़ है और त्यौहार एक हिंदी का लफ्ज़ है। गोया हम सबको जो मिलने मोहब्बत के साथ एक साथ जमा होने में अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया और साल में दो मौके हमें नवाजे। हम सब इसके साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुसलमानों को आपसी इस गंगा जमनी तहजीब के जो मोहब्बत के साथ ईद मनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर सभी त्यौहार मनाते हैं, मैं उन सबको भी अपनी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए खुशियों वाला, कामयाबी वाला, तरक्की वाला, इज्जत वाला, आसानी वाला, खैरियत वाला। रमज़ान का ये महीना, पवित्र महीना, इसमें 30 दिन के रमज़ान के महीने में सभी मुसलमान भाइयों ने रोज़ा इफ्तार किया और देश को सुख और समृद्धि देने के लिए अल्लाह से अरदास किया। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस ईद, इस अवसर पर ईद मुबारकबाद देना चाहता हूं और देश में एक दूसरे भाईचारे की वापस स्थापना हो, एक दूसरे भाई और ईद का त्यौहार बड़े भाईचारे से मनाया जाता है और ईद के त्यौहार पर और दिवाली के त्यौहार पर और आज सबसे बड़ी बात यह और है, ईद के त्यौहार पे तीज का त्यौहार भी साथ साथ हम मना रहे हैं। ये एक हिंदुस्तान में और राजस्थान में एक मिसाल कायम है कि हिंदू और मुस्लिम हर त्यौहार को एक दूसरे की खुशी में बांटकर और उस त्यौहार को मनाते हैं और अल्लाह ताला से, भगवान से दुआ करते हैं कि हम सब में भाईचारा बना रहे और एक दूसरे की खुशियों में बांटते रहें। हम हमारे प्रदेश की, देश की उन्नति में हम साथ निभा सकें, यही बड़ा, सबसे बड़ा संदेश इन त्योहारों का होता है और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में आज ईद का त्यौहार बड़े सुख शांति और इसमें अल्लाह ताला की दुआ के साथ कि प्रदेश भाईचारा बनाए रखेगा और प्रदेश में सुख और शांति और देश आगे बढ़ेगा, यही संदेश देना चाहता हूँ और अपनी ओर से सभी भाइयों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। शाही धूमधाम और शोभा यात्रा के रूप में पारंपरिक तीज की सवारी 30 और 31 जुलाई को निकाली जाएगी। यह सवारी शाम 6 बजे त्रिपोलिया गेट से शुरू होगी तथा त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपर और गनगौरी बाजार से होते हुए चौगान स्टेडियम में पहुंचकर समाप्त होगी। यह जुलूस राज्य के पर्यटन विभाग, सिटी पैलेस, जिला प्रशासन जयपुर और जयपुर नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के सूत्रों के मुताबिक पारंपरिक तीज महोत्सव पर्यटकों, ट्रैवल व्यवसाय और स्थानीय जनता द्वारा उत्साह व जोश के साथ आयोजित किया जाता है। इस जुलूस में विशेष रूप से सजाए गए ऊंट एवं घोड़े शामिल होंगे और कच्ची घोड़ी, गैर कालबेलिया और चक्री नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस शोभा यात्रा में तोप गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा, बग्घी, सुसज्जित रथ और कई बैंड ग्रुप अपने पूरे ग्रुप के साथ इसमें शामिल होंगे। तीज माता की सवारी लगभग आखिर में चौकदारों के साथ होगी। आदर्श स्कूलों को विधायक कोष से फंड देने का शिक्षक संगठन ने विरोध जताया है। शिक्षक संगठन का कहना है कि विशेष संगठन की ओर से संचालित संस्थान को सरकारी खजाने से फंड देना सही नहीं है। संगठन के प्रवक्ता सुरेश मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संसाधन नहीं है, आईटी एक्ट की पूरी तरह से पालना नहीं की जा रही है, वहीं एकीकरण के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद करने की कवायद चल रही है। ऐसे में विशेष संगठन की ओर से संचालित स्कूलों को सरकारी खजाने से राहत देने के लिए किए जा रहे नियमों में बदलाव के प्रयास सही दिशा में कदम नहीं है। वहीं कहा कि सरकार के इस कदम से शिक्षा जगत को निजीकरण, व्यवसायिक और राजनीतिकरण को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था जिसमें बीजेपी विधायक ने मांग की थी कि आदर्श स्कूलों को विधायक कोष से फंड दिया जाना चाहिए, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि नियमों में बदलाव कर इसकी व्यवस्था की जाएगी, हालांकि कांग्रेस सरकार में इसे बंद कर दिया गया था। जवाहर सर्किल थाना इलाके के जगतपुरा स्थित ननपुरी अंडरपास के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक विवाहिता की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जगतपुरा के ननपुरी अंडरपास के पास
ट्रेन की चपेट में आने से जयपुर के आंधी निवासी प्रियंका मीना की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रियंका मीना की 3 महीने पहले ही कमलेश नाम के युवक से शादी हुई थी। दोनों ही जगतपुरा में किराए के मकान से रहते थे। प्रियंका यहां रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने युवती के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। फिलहाल पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि ट्रेन की चपेट में आने से हुई प्रियंका की मौत की वास्तविक वजह क्या थी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हुए। राजधानी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए सीपी जोशी की लंबी उम्र की कामना की। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मनीष यादव की ओर से नारायण सिंह सर्किल स्थित भट्टारक जी की नसिया में आयोजित इस ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। SMS अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस कैंप में करीब 100 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया है। एकत्रित किए गए रक्त को जरूरतमंद रोगियों को मुहैया कराया जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप के मौके पर जयपुर ग्रामीण से पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया और पूर्व विधायक गोपाल मीना भी मौजूद रहे। कटारिया और मीना ने रक्तदान कर रहे युवाओं की हौसला अफजाई की। मनीष यादव और लालचंद कटारिया ने कहा कि डॉक्टर सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाई है। दोनों नेताओं ने सीपी जोशी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही संगठन में उच्च पद मिलने की कामना की। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव सम्मान्य डॉक्टर सीपी जोशी जी का जन्मदिन है और हमारे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मनीष यादव जी के नेतृत्व में हमारे जो नौजवान साथी हैं, ज़्यादातर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है। इसमें हमारे राजेंद्र जी यादव जी विधायक कोटपुती हैं, पूर्व विधायक गोपाल मीणा जी हैं, भाई मनीष जी हैं, पूरे जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में और जयपुर देहात से कांग्रेस कमेटी की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग जगह पर रखे हैं। कहीं कुष्ठ रोगियों को फल वितरण का कार्यक्रम है, कहीं अस्पतालों में है। हमारे मुस्लिम भाइयों की आज ईद भी है, उनको भी हम हमारी शुभकामनाएँ देते हैं और परमपिता परमेश्वर कामना करते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव सीपी जोशी जी जो हैं, जिन्होंने एक प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है, वो ऊंचाइयों पर हैं, बुलंदियों पर जाएं, यही हमारी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। और जितने भी नौजवान साथी हैं जिन्होंने रक्तदान शिविर में भाग लिया है, उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि आज ईद का मौका भी है और सीपी जोशी जी का जन्मदिन भी है। उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सीपी जोशी जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। ईद पर भी पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डॉक्टर सीपी जोशी जी ने एक राजस्थान को कांग्रेस के स्तर पूरे देश में एक पहचान दी है राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, आज उनका जन्मदिन है, उसी को लेकर युवा बढ़ चढ़ कर, भले वो विश्वविद्यालय का युवा हो, भले वो कॉलेज का युवा हो, भले वो जयपुर ग्रामीण का हो, भले वो शहर का हो, हर युवा बढ़ चढ़ कर यहाँ पर रक्तदान करने आया है और स्वप्रेरणा से करने आया है, अपने नेता को रक्त देने आया है, अपने नेता की दीर्घायु की कामना करने आया है। बड़ी संख्या में आज यहाँ पर रक्तदान होने वाला है, अभी तक भी एक बहुत बड़ी संख्या में रक्तदान हो चुका है। मैं निश्चित रूप से आज कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से युवाओं का माहौल बनाया जाता था कि युवा किसी के साथ नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा कि युवा के साथ रूप से कांग्रेस के साथ युवा है और हमारे नेता डॉक्टर सीपी जोशी जी जो राष्ट्रीय महासचिव है, उनके इस कार्यक्रम में पूरे राजस्थान में हर जगह पर युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और उनको जन्मदिन की मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। सावन की तीज का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। खासकर नवविवाहित जोड़ों के लिए यह त्यौहार विशेष महत्व रखता है। इससे पहले मंगलवार को सिंजारा मनाया गया। आज विवाहिता स्त्रियां जहां अपने हाथों को मेहंदी से रचा रही है, वहीं जिन युवतियों के निकट भविष्य में शादी होने जा रही है उनके ससुराल से उनको सिंजारा भेजा गया। सिंजारे में साड़ियां, कपड़े और घेवर के साथ महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार की चीजें भेजी गई। ये त्यौहार सुहागिनों के सजने संवरने का त्यौहार है। बुधवार को जयपुर शहर में तीज की सवारी पूरे लवाजमे के साथ निकाली जाएगी। बुधवार को तीज के अवसर पर जिला कलेक्टर ने भी शहर में आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। शाम को जयपुर के सिटी पैलेस से तीज माता की सवारी अपनी पूरी साज सज्जा और लवाजमे के साथ रवाना होगी, जो त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपट, गंगौरी बाजार और चौगान स्टेडियम पर होते हुए ताल कटोरा जाकर विसर्जित होगी। इस अवसर पर ताल कटोरा की पालपन नगर निगम जयपुर और पर्यटन विभाग की ओर से तीज उत्सव भी मनाने की तैयारी की जा रही है।
संजारा मेरा शादी का पहला संजारा है, इसलिए मेहंदी लगाने आई हूँ। मेरी मदर इन लॉ मुझे साड़ी गिफ्ट कर रही हैं इस रीज़न के वजह से, और बहुत एक्साइटमेंट है। हस्बैंड के लिए मेहंदी लगा रहे हैं, सब कुछ करेंगे, घेवर खाएंगे, बहुत मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है संजारे पे मेहंदी लगवाना। हर चीज़ का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। ईद भी पहला संजारा है? हाँ, ये इस बार मेरा पहला संजारा है, इसलिए थोड़ा चीज़ें भी थोड़ा लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, ग्रैंड लेवल पे कर रहे हैं। बाकी नाइस फीलिंग, लहरिया मेन होता है संजारे पे। जो आपकी मदर इन लॉ आपको साड़ी देती है वो लहरिए की ही होती है। वो आप बेसिकली जयपुर में तो बेसिकली सावन में ही पहनी जाती है। आप जनरली देखेंगे तो पूरे ईयर वो सब ऐसी साड़ियाँ कोई नहीं पहनता, जनरली इस मंथ में ही लहरिया पहना जाता है। आज सिंगारा और ईद दोनों के साथ में मतलब मेहंदी लगा रहे हैं लेडीज, और हम कौन से मेहंदी लगाते हैं, और एक हाथ पर हैंड कम से कम 400 रुपीज़ पर हैंड, और इसमें अलग अलग रेट की मेहंदी होती है, अलग अलग चार्ज लगता है, 100 के भी लगते हैं, 200 लगते हैं, 400 लगते हैं। इससे कम तो डिजाइन को भी पता ही नहीं है, बहुत सारे डिजाइन होते हैं। इसमें लेडीज चॉइस करते हैं कैसे डिजाइन लगानी है उनको, कैसे लगाते हैं। आपने तो प्रॉपर जयपुर से सीखा मेहंदी लगाना, और ये भी मेहंदी लगाते हैं, 7-8 साल हो गए लगाते हुए। संचार की आधुनिक तकनीक 4G सेवाओं का लाभ जयपुर वासियों को शीघ्र उपलब्ध हो, इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित टेलीकॉम कंपनी को अब तक 45 GBM टावर्स लगाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। JDA द्वारा पूर्व में जारी 37 GBM टावर्स की स्वीकृति के साथ 8 और नए GBM टावर्स लगाने की स्वीकृति जारी की। भारत सरकार द्वारा रिलायंस जियो को नेटवर्क बिछाने का लाइसेंस दे दिया गया है। कंपनी द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, तथा आधुनिक GBM लगाने का कार्य करवाया जा रहा है। दुर्गापुरा एलिवेटेड रोड का काम त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है। एलिवेटेड रोड के दूसरे स्पॉन में सेगमेंट्स को लिफ्ट करने का कार्य आज मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि दुर्गापुरा एलिवेटेड रोड का कार्य करीब 2 वर्षों से लगभग बंद था, जिसकी JDA आयुक्त श्री शिखर अग्रवाल द्वारा की गई निरंतर मॉनिटरिंग के बाद अब इसका कार्य तीव्र गति से फिर शुरू करवाया जा सका है। टॉक रोड की तरफ से एलिवेटेड रोड के पहले स्पॉन में सेगमेंटल गर्डर के सभी सेगमेंट्स में प्री स्टेंसिंग करने के बाद उसे लॉन्च कर दिया गया है। वहीं दूसरे स्पॉन में सेगमेंट्स को लिफ्ट करने का कार्य आज से शुरू कर दिया गया है। योजना क्षेत्र में करीब 272 सेगमेंट लगाए जाने हैं, जिनमें से 90 सेगमेंट बनकर तैयार हैं। परियोजना का कार्य जून 2015 तक पूरा करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बनने से वर्षों से इस क्षेत्र में हो रही यातायात जाम की स्थिति से निजात मिल सकेगा। परियोजना क्षेत्र में जहां पिलर बनाए जा चुके हैं उन क्षेत्रों में बैरिकेड्स को हटा लिए गए हैं अथवा आवश्यकता अनुसार अंदर कर लिए गए हैं, तथा सड़क को दुरुस्त करवाया जा चुका है, जिससे इस क्षेत्र में आमजन को सुगम यातायात मिला। तीज त्यौहार बावड़े ले डूबे गणगौर। हमारे यहाँ यह है लोक कहावत बहुत मशहूर है। इसी मान्यता के अनुसार नगर निगम जयपुर की ओर से आमजन के सहयोग एवं जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में बुधवार को 2 दिवसीय तीज महोत्सव 2014 के भव्य आगाज से, जहाँ एक और पौंड्रिक उद्यान एवं तालकटोरा का रमणीक वातावरण सजीव हो उठेगा, वहीं देश प्रदेश में त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। असवाल ने बताया कि तीज महोत्सव 2014 को एक यादगार उत्सव के रूप में मनाने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। गोविंद देव जी के सानिध्य में जय निवास उद्यान ताल कटोरा एवं पौंड्रिक उद्यान के चतुष्कोण पर आध्यात्मिक वैदिक वॉक के आगाज और तीज महोत्सव 2014 को यादगार बनाने के लिए इस पूरे परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है, लाइटिंग भी की गई है। निगम की ओर से तालकटोरा में जयपुरी शैली में सजी हुई पैडल बोट भी विशेष रूप से चलाई जाएगी। पौंड्रिक पार्क में जलाशयों में दीप जलेंगे। पूरे क्षेत्र को विभिन्न किस्म के फूलों से भव्यता से सजाया गया है। पौंड्रिक पार्क एवं तालकटोरा की पाल पर भव्य मंच भी सज गए हैं, जहां वीणा संगीत संस्थान की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस समारोह में रंग बिरंगी झांकियां भी होगी। चार दीवारी की सांस्कृतिक परंपराओं को कायम रखने के लिए नगर निगम जयपुर की ओर से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। श्री असवाल ने बताया कि श्रावणी तीज के इस महोत्सव में ढुंडाड़ी संस्कृति सजीव हो उठेगी, जिसमें होंगे रंग बिरंगे परिधान, यौवनाएं करके आएंगी साज श्रृंगार।
उनकी हथेलियों पर होंगे निशुल्क चटकीली मेहंदी के उपहार। धोती कुर्ते की पारंपरिक वेशभूषा में होंगे बांके नौजवान। लहरिया साफा पहने मूछों पर तांव देते हुए आएंगे पुरुष रौबदार। ताल कटोरे के सामने हरियाले पौंड्रिक उद्यान में होगी बहार ही बहार। बच्चों और महिलाओं के लिए होगा शावनी झूलों का उपहार। प्रकृति की कृपा से होगी सावन की रिमझिम सी फुहार। जिया बैंड की अगुवाई में पुलिस बैंड, RASC बैंड और आर्मी बैंड के वादन से मचेगा धमाल। ताल कटोरा की पाल से लगे हुए पौंड्रिक उद्यान स्थित नुकीली छतरी के सामने तीज माता की शाही सवारी पहुंचने पर सलामी देती हुई तोपे भी भरेंगी हुंकार। रंग बिरंगी आतिशबाजी भी होगी शानदार। मत पियो सा तमाकुड़ी लोक नृत्य से सामाजिक कुरूतियों पर भी होगा प्रहार। मांड घूमर तेरा ताली लोक गीतों की स्वर लहरियों की बहेगी बयार। निगम की ओर से वितरित होगा स्वादिष्ट मीठे घेवरों का प्रसाद। उम्मीद करते हैं कि इस महोत्सव में खुशियां होगी बेशुमार, जिसमें पूरे वर्ष होगा जीवन में उत्साह का माहौल। तीज महोत्सव जयपुर की शान है। डुंडाणी जो प्रदेश है जयपुर, उसका एक प्रतीक है। महिलाओं का श्रृंगार और सौंदर्य का एक ये बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसमें महिलाएं सब राजी रहती हैं, उल्लासित रहती हैं और तीज माता को सब नमन करती हैं। तीज माता की सवारी निकलेगी इसी सामने वाली छतरी में। यहाँ पर आके तीज माता विराजती हैं और फिर यहीं से आगे जाती हैं। इस बात को लेके जयपुर शहर की शान आन बान बनी रहे, और नगर निगम का मुख्य उद्देश्य है कि जयपुर शहर के त्यौहार, जयपुर शहर की हेरिटेज, जयपुर की रियासतकालीन विरासत को हम अक्षुण रखें। एक हमारा छोटा सा प्रयास है। जिस ताल कटोरे की आप बात कर रहे हो, आज यहाँ 8 फीट से 6 फीट के बीच में पानी भरा हुआ है। जब आज के 4-6 महीने पहले यहाँ पर इसी ताल कटोरे की हाल का बयान मैं नहीं करता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पर कुत्ते बिल्ली मरे हुए जानवर आदि आदि रहते थे, आज इसकी सफाई करवाई। और इसमें हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय XCN हैं अनिल घिया और क्षेत्रीय आयुक्त हैं मदन शर्मा, उन्होंने बहुत ज़ोर से काम किया है, बहुत मजबूती के साथ में आगे काम किया है। और यहाँ पर एक ये लड़का है, मैं इसका नाम भूल गया हूँ, ललित, उसने भी सफाई, यहाँ पर कचरा आता है पानी का और एक मिनट में साफ हो जाता है। आप देखिएगा, उदयपुर लेक पैलेस भी इस तालाब के पीछे, इस मानसरोवर, इस राजामल के तालाब के पीछे ताल कटोरा में मात खाता है। दोस्तों, तीज महोत्सव 2014 का नगर निगम के द्वारा जन सहयोग से, जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में हम, ये एक नगर निगम का छोटा सा प्रयास होगा कि हम सब मिलके तीज माता को नमन करें। और इसी चक्कर में हम ढूंढाणी रियासत को आगे लाते हुए मांड घूमर तेरा ताली और यहाँ की लोकल सावन के झूलों में जो बयार के साथ में गाने होते हैं देसी राजस्थानी, उनका एक डिस्प्ले करेंगे, उनको प्रदर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे आप सब लोगों के सहयोग से कि हम इसमें सफल रहें। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। पृथ्वीराज नगर नियमन मामले को लेकर लगाए आरोप। देश भर में ईद का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया, एक दूसरे के गले लगाकर दी मुबारकबाद। और तीज के पर्व पर मनाया जाएगा 2 दिवसीय कार्यक्रम, पौंड्रिक पार्क पर होगा समारोह। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।